जब मैं छोटी थी तो मेरी नानी ने मुझे यहाँ लाए थे, क्योंकि यहाँ कोई बच्चा नहीं था। डेली पढ़े, ऐसा नहीं कि आप एक दिन पढ़े, आप दो तीन दिन नहीं पढ़े, आप कंटिन्यूअसली पढ़े। देना चाहूंगी कि अगर आप किसी चीज को पढ़ते हो तो रटे ना, चीजों को समझे। झारखंड इंटरमीडिएट के रिजल्ट की घोषणा हो गई है, जिसमें कशिश परवीन, जो कि धनबाद जिले के बागमारा प्रखंड के कतरास छाताबाद की रहने वाली हैं, स्टेट टॉपर कर नाम रोशन किया है। छात्रा के घर बधाई देने वालों का तांता लग चुका है, घर में त्योहार जैसा माहौल बन चुका है। मिठाई खिलाकर, गुलदस्ते देकर परिवार एवं आसपास के लोग उन्हें बधाइयां दे रहे हैं एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी कर रहे हैं। जब मैंने रिजल्ट सर्च किया तो मुझे पता चला कि मैंने झारखंड स्टेट टॉपर रैंक 1 हासिल किया है। पढ़ने में उसका लगन बहुत था, वो 8 घंटा पढ़ाई करता था। घर का कोई काम वाम हम लोग भी नहीं देते थे करने के लिए कि नहीं तुम सिर्फ पढ़ने पे फोकस करो। मैं रोजाना 8 घंटे पढ़ती, मैं किसी दिन कम पढ़ू या ज्यादा पढ़ू, लेकिन मैं किसी दिन भी स्किप नहीं करती थी, मैं डेली पढ़ती थी। चाहे ताकि आप 8 घंटा पढ़े या फिर है ना 6 घंटा पढ़े या 4 घंटा पढ़े या 2 घंटा पढ़े, लेकिन आपको पढ़ना डेली। अगर आप कंसिस्टेंसी बना के रखते हैं तो आप चीजों को भूलते नहीं, आप चीजों को रिविजन करते रहेंगे तो वो आप है ना लंबे समय तक आपको याद रहेगा। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आप कंसिस्टेंसी बना के रखें। सुबह उठती थी, किताब लेके बैठ जाती थी, पढ़ते ही रहती थी। मन घबराता थोड़ा बहुत उठती, टहलती उलती थी, खाती पीती कुछ, फिर पढ़ने बैठ जाती। आपको बता दें कि कशिश परवीन बचपन से ही अपने मामा मामी के घर रह रही हैं। कशिश मूल रूप से कोलकाता पार्क सर्कस की रहने वाली हैं। अपनी सफलता का श्रेय उन्होंने अपने परिवारजनों और स्कूल के शिक्षकों को दी है। उनसे जब हजारीबाग अपडेट्स की टीम ने पूछा कि वो किस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हैं, तो कशिश परवीन ने आत्मविश्वास के साथ कहा सिविल सेवा ही उनका लक्ष्य है। फ्यूचर में मैं सिविल सर्विसेज के एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहती हूँ। स्कूलिंग 10th स्टैंडर्ड फ्रॉम CBSE बर्ड्स गार्डन से किया है और मैंने अपने 12th स्टैंडर्ड DAV से किया है। हमारा एग्जाम 15th को था इंग्लिश, तो उस समय मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मुझे लगा भी नहीं था कि मैं अच्छे से एग्ज़ाम दे पाऊँगी, लेकिन फिर भी मैंने अपना हार्डवर्क किया, फिर मैंने अपनी हिम्मत को छोड़ा नहीं, फिर भी मैंने अच्छा किया, तो उसका परिणाम आप सबके सामने है। सफलता का श्रेय अपने सभी टीचर्स को और अपने सभी परिवार वालों को देना चाहूंगी, और साथ ही साथ इसमें मेरा हार्डवर्क भी था।